हेलो स्टूडेंट्स, ओके लेट मी स्टार्ट आवर पार्ट टू ऑफ द चैप्टर। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अप टू हेयर बटर कप्स एंड व्हाट वी हैव स्टडीड राइट। टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट मिस्टर विली वोंका इनवाइट्स फाइव चिल्ड्रन अलोंग विद नाइन ग्रोन अप्स टू देयर चॉकलेट फैक्ट्री एंड ही शोड देम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चॉकलेट फैक्ट्री। ही टुक देम टू अ चॉकलेट रूम वेयर He showed them fascinating sights of the factory, like chocolate river, hot liquid chocolate river with sucking pipes and a waterfall, different meadows. These are all the different trees also, like rhododendrons, willow tree, alders. These are all. Let's start with next. There, cried Mr. Wonka, dancing up and down, pointing his gold-topped cane at the great brown river. Now, Mr. Wonka was very happy in showing them the different parts of the chocolate factory, and he danced and pointed, यानी वो इशारा करते हैं एक gold-topped cane at the green brown river. Gold-topped cane you can see on the screen, stick with a round bulb of gold at one end. ओके एक ऐसी केन जो ऊपर से बिल्कुल गोल्डन कलर की थी, टॉप पे थी। इट इज़ ऑल चॉकलेट, वो उनको ये बताते हैं कि कुछ नहीं, ये सब चॉकलेट ही हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ दैट रिवर इज हॉट मेल्टेड चॉकलेट ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी। वो मिस्टर विली वोंका कहते हैं कि वो जो रिवर है वो हॉट लिक्विड चॉकलेट की है, और ये जो लिक्विड है वो बहुत सबसे फाइन क्वालिटी का है, द वेरी फाइनेस्ट क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। देर इज इनफ चॉकलेट इन देयर टू फिल एवरी बाथ टब इन द एंटायर कंट्री। वो कहते हैं इस रिवर में इतनी चॉकलेट है कि पूरी कंट्री में जितने भी बाथ टब हैं वो सब फिल किए जा सकते हैं। ये देखो मिस्टर विली वोंका है, ये सारे बच्चे हैं, और ये उनके ग्रैंडपा जो पुअर चिल्ड्रन आया था, वो सब फैसिनेटिंग है। ये आप पाइप्स भी देख सकते हो जो इधर रिवर के अंदर डिप किए हुए हैं, यहाँ से ये ऊपर खींच रहे हैं, सक कर रहे हैं इस लिक्विड को। एक ये वाटरफॉल है, ये भी लिक्विड ब्राउन कलर का है। तो दिस साइट इज़ वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली, एंड ऑल द स्विमिंग पूल्स एज वेल। मिस्टर विली वोंका कहते हैं कि वो जो लिक्विड हॉट लिक्विड रिवर है, हॉट चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट वाली जो रिवर है, उसमें इतनी चॉकलेट है, इतना लिक्विड है चॉकलेट का कि पूरी कंट्री के जितने भी बाथ टब हैं वो फिल हो सकते हैं, स्विमिंग पूल्स भी फिल हो सकते हैं एज इट इज। इजंट इट टेरिफिक, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता और डरावना नहीं लगता है? वैसे तो टेरिफिक का मतलब डरावना होता है, बट यू कैन सी कि यहाँ पे है कि कितना अच्छा लगता है। एंड जस्ट लुक एट माई पाइप्स, वो कहते हैं देखो मेरे पाइप्स की तरह, दिस सक अप द चॉकलेट एंड कैरी इट अवे टू ऑल द अदर रूम्स इन द फैक्ट्री वेयर इट इज नीडेड। यहाँ पे देख वो कहते हैं कि ये जो तुम मेरे पाइप देख रहे हो, ग्लास के पाइप हैं, ये यहाँ से लिक्विड को सक कर रहे हैं और ऊपर कहीं ले जा रहे हैं। लेकिन ऊपर कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर भी कहीं रूम्स हैं जहाँ पर ये सप्लाई किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे ये लिक्विड को सप्लाई किया जाता है, जहाँ से सॉलिड चॉकलेट बनकर आती है। थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स एंड आर माई डियर चिल्ड्रन, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलन। अब यहाँ पे मिस्टर विली वोंका बताते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ गैलन, एक घंटे में, गैलन्स क्या होता है जिसमें 4.5 लीटर तक का भी लिक्विड हम फिल कर सकते हैं, तो एक घंटे में हजारों गैलन्स फिल कर सकते हैं इन पाइप से, इतना काम जल्दी हो जाता है। द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स टू फ्लैबरगेस्टेड टू स्पीक। चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स कंफ्यूज थे, यानी डंबस्ट्रक थे। यहाँ देखो नीचे, टू फ्लैबर गैस्ट्रिक टू स्पीक, मतलब इतने सरप्राइज थे कि उनसे शब्द नहीं बोले जा रहे थे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, कि चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स वर टू फ्लैबर गैस्ट्रिक टू स्पीक। वो बिल्कुल निशब्द थे, वो बिल्कुल हैरान थे और उनसे कुछ नहीं बोला जा रहा था। देवर स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन्स आई हैव ऑलरेडी रिटन हेयर कन्फ्यूज। वो बहुत कन्फ्यूज भी थे। देवर dumbfounded, dumbfounded is also very surprising. These are all synonyms of each other. They were bewildered, bewildered means also confused, and dazzled, that means, और वो impressed भी हो रहे थे। Dazzled means impressed हो जाना।
वो डेजल भी हो रहे थे, दे वर कम्प्लीटली बोल्ड ओवर बाय द ह्यूजनेस ऑफ द होल थिंग। वो बिल्कुल हैरान हो गए थे सब चीज़ों की इतनी होल ह्यूजनेस देख के। दे सिंपली स्टूड एंड स्टेयर्ड, वो सिंपली खड़े हुए थे और बस घूर रहे थे, देखे जा रहे थे। द वाटरफॉल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मिस्टर वोंका बताते हैं कि वाटरफॉल जो है वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका बताते जाते हैं, इट मिक्सिस द चॉकलेट, टर्न्स इट अप, इट पॉन्ड्स इट एंड बियर्स इट, बीट्स इट, इट मिक्स इट लाइट एंड फ्रोदी। ये सारी बताते हैं कि जो वाटरफॉल है जो लिक्विड में जाता है वो उसमें मिक्स होता है, इसके अंदर घुल जाता है अच्छे से और इतनी जोर जोर से गिरता है कि इसमें बिल्कुल लाइट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है जिसमें झाग आते हैं। फॉर नो अदर फैक्ट्री इन द वर्ल्ड मिक्सेज इट्स चॉकलेट्स बाय वाटरफॉल। वो कहता है पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो चॉकलेट को वाटरफॉल के रूप में मिक्स करती है, बट इट्स द ओनली वे टू डू इट प्रॉपरली। मिस्टर वोंका कहते हैं लेकिन ये सबसे सही तरीका है मिक्स करने का, द ओनली वे। एंड डू यू लाइक माई ट्रीज, कहते हैं यही एक अच्छा तरीका है, और तुम्हें मेरे ट्रीज पसंद आए? ही क्राइड पॉइंटिंग विद इट्स स्टिक। वो जोर से बताते हैं और अपने स्टिक से पॉइंट आउट करते हैं। एंड माई लवली बुशेज, वो ये भी कहते हैं क्या तुम्हें मेरे ये झाड़ियाँ अच्छी लगी? डोंट यू थिंक दे लुक प्रेटी? तुम्हें नहीं लगता है कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं? ऑफ कोर्स दे आर ऑल ईटेबल, कहते हैं, और हाँ ये सब खाने लायक है। ऑल मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट डिलीशियस, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट और डिलीशियस चॉकलेट ही हैं ये। वो यही बताना चाहते हैं कि सब चॉकलेट ही हैं। एंड डू यू लाइक माई मीडोज, और तुम्हें मेरे मीडोज पसंद आए? डू यू लाइक माई ग्रास एंड माई बटर कप्स? वो अपनी ग्रास और बटर कप के बारे में भी पूछते हैं। द ग्रास यू आर स्टैंडिंग ऑन, जिस ग्रास पे तुम खड़े हो वो कहते हैं माई डियर लिटिल वंस, इज मेड ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्ट मिंटी शुगर दैट आई हैव जस्ट इन्वेंटेड। जिस ग्रास पर तुम खड़े हो वो भी एक तरीके की सॉफ्ट और शुगर, मिंटी शुगर यानी जो कलरफुल शुगर और डिफरेंट फ्लेवर्स की जो शुगर होती है वही है जो मैंने अभी अभी इन्वेंट किया है। अब वो कहते हैं आई कॉल इट स्वज, क्योंकि ये शुगर से बनी है चॉकलेट तो मैं इसको स्वज बोलता हूँ, इसका नाम मैंने स्वज रखा है। ट्राई ए ब्लेड प्लीज डू, इट्स डिलेक्टेबल। वो कहते हैं ब्लेड लेकर ट्राई करो, इसको तोड़कर यानी काट कर खाओ, इट्स डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल इज ऑल्सो गिवन हेयर, वेरी टेस्टी डिलीशियस, ये बहुत ही टेस्टी चॉकलेट है। ओके एंड वॉयलेट बेयर ब्रेड बिफोर टेस्टिंग हर ब्लेड ऑफ ग्रास took the piece of world record breathing chewing gum out of her mouth and stuck it carefully behind her ear। और ये जो गर्ल का नाम है उन फाइव चिल्ड्रन में से वॉयलेट, जो बड़ा क्या करती है कि वो बड़ा सा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग चिंगम यानी कि वो इतना बड़ा सा पीस चिंगम का कट कर लेती है और उसको धीरे धीरे मुंह में लग ले आती है और उसको स्टक इट केयरफुली बिहाइंड हर ईयर्स, और उसको अपने कान के पीछे अच्छे से चिपका लेती है। Isn't it wonderful? ये अच्छा नहीं लगता? Whispered Charlie. Charlie बोलता है, Hasn't it got a wonderful taste, Grandpa? Grandpa, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है ना? I could eat the whole field, said Grandpa Joe, grinning with delight. I could go around on all fours like a cow and eat every blade of grass in the field. Grandpa कहते हैं, I could eat the whole field, मैं पूरा फील्ड खा सकता हूँ। बड़े खुशी से बोलते हैं वो, और I could go around on all fours like a cow, और मैं चारों तरफ एक काउ की तरह घूम सकता हूँ, और जैसे काउ घास खाती है इस तरीके से मैं सारी ग्रास ये जो चॉकलेट की खा सकता हूँ। Try a बटर कप, cried मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका कहते हैं अब बटर कप ट्राई करो, दे आर इवन नाइजर, वो और भी अच्छे हैं। सडनली द एयर वॉज फिल्ड विद स्क्रीम्स ऑफ एक्साइटमेंट, तभी वहां पर चारों तरफ एक्साइटमेंट की चिल्लाने से आवाज आती है यानी खुशी से चिल्लाने के बाद। स्क्रीम्स केम फ्रॉम वेरियुका सॉल्ट, कहाँ से आ रही थी ये वेरियुका सॉल्ट बोल रही थी। शी वॉज पॉइंटिंग फ्रेंटिकली टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, वो बड़ी हैरानी से दूसरी रिवर के दूसरी साइड को पॉइंट आउट कर रही थी कि लुक लुक ओवर देयर, वहाँ देखो। शी स्क्रीम, वो जोर से बोलती है, व्हाट्स इट, ही इज मूविंग, ही इज वॉकिंग, इट्स अ लिटिल पर्सन, इट्स अ लिटिल मैन डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल। वो कहती है देखो वहाँ पर कोई चल रहा है, वहाँ पर कोई हिल रहा है, वो कोई पर्सन है, छोटा सा मैन है। डाउन देयर बिलो द वाटरफॉल यानी भाई वैली के अंदर हम किसी को देखेंगे तो वो बहुत छोटा दिखाई देगा ना नीचे।
एवरीबडी स्टॉप्ड पिकिंग बटर कप्स एंड स्टेयर्ड अक्रॉस द रिवर। सबने बटर कप्स जो उठा रहे थे सबने रुक गए और सब उस तरफ देखने लगे। शी इज राइट ग्रैंडपा, क्राइड चार्ली, इट्स अ लिटिल मैन, कैन यू सी हिम। अब चार्ली कहता है कि यस बिल्कुल ठीक कह रही है ग्रैंडपा। आई सी हिम चार्ली, सेड ग्रैंडपा जो एक्साइटेडली। हाँ मैं भी देख सकता हूँ ग्रैंडपा, जिनका नाम जो है वो कहते हैं। एंड नाउ एवरीबडी स्टार्टेड शाउटिंग एट वंस, सब एक साथ बोलने लगे। देर इज टू ऑफ देम, माई गॉश, सो देर इज थ्री, देर इज मोर देन टू, देर इज वन टू थ्री फोर फाइव, यानी अब उनको एक से ज़्यादा दिखाई देने लगे थे। तो ये जो चैप्टर है ये चॉकलेट फैक्ट्री का के बारे में है। मिस्टर विली वोंका अपनी फैक्ट्री की विजिट कराते हैं बच्चों को और उनको वहाँ पर वाटरफॉल, ये पाइप्स और मीडोज, ये जो मीडोज दिख रही हैं पीछे, ट्रीज, विलो ट्रीज, ये सब के बारे में बताते हैं। तो बच्चे बड़े हैरान रह जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें डिफरेंट फैसिनेटिंग, एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग साइट्स के बारे में बताया गया है जो चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर थी। थैंक यू, अब आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।